तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर को, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले कैनन का जो कैनन हुए या फिर कैनन का कोई सा मॉडल हुए उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो पहले बताओ। तो आप यहाँ पे फायरफॉक्स में कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम में कर सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको करना है कैनन IR2870 प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। तो इसको करके इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो करने के बाद में तो पहला वाला ऑप्शन जो आता है ना, इमेज रनर, इसका ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अब आ गए आपका, आप कैनन के आप पेज में आ गए। तो अब अभी इसको आप थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए ड्राइवर आ गया। यहाँ सॉफ्टवेयर्स मैनुअल आप जो भी फार्मर ले सकते हैं। अभी हमको ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर। तो यहाँ पे एक तो मेन चीज़ आपको जानना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका कंप्यूटर जो होगा, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको पता करना होगा। आपको पता कैसे करेंगे, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका Windows 7 32 बिट्स है या फिर Windows 8 है, Windows 8.1 है, 32 बिट्स है, 64 बिट है, तो आपको जानना है। तो उसके बारे में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कभी कभी ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेता है। मेरा Windows 11 है, तो यहाँ पे वो लिया है 1064। तो मैं ए इंग्लिश रहने देंगे, तो फिर भी मैं आपको और एक बार ही बता दे रहा हूँ। तो इसको कैसे कंप्यूटर का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करते हैं। तो ये जैसे मेरा ये माई कंप्यूटर है, तो इस पर मैं राइट क्लिक किया, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा देखिए 64 बिट्स प्रोसेसर आप मेरा है, और प्रोसेसर हो गया 11th जनरेशन। तो यहाँ पे आपका जैसे कि Windows 7 8 8.1 होगा, और यहाँ पे 32 बिट्स, तो वही हिसाब से आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो हिसाब से आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे कभी कभी ऑटोमेटिकली ले लेता है, या फिर आपको उसको अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्ट कर देने के बाद में तो फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ले लिए। अभी यहाँ पे फिलहाल 8.1 हो गया, तो मेरा है 1064, ठीक है। तो मैं ले लिया, अभी ऑटोमेटिकली आ गया। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Windows 32 बिट 64 के लिए स्कैन गियर, मतलब कि आपको जो स्कैनर ड्राइवर अगर इंस्टॉल करना हो तो ये इसको आप यहाँ ले सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा, तो ये PPD फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको यही आना है Windows 32 बिट्स और 64 बिट्स का PCL5। किसी किसी में PCL5 और किसी किसी में PCL6 होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे, नीचे ये देखेंगे डाउनलोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये 46 MB का हैगा, तो इसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड होने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। अभी फिलहाल डाउनलोड चला है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस
एक के बाद एक प्रोसेस में बताऊंगा यूएसबी में कैसे मतलब प्रिंट निकालते हैं, लैन केबल मतलब RJ45 से कैसे प्रिंट निकालते हैं, या फिर आपका R10 सिस्टम है और एक कैनन प्रिंटर को आप कनेक्ट करना चाहते हैं लैन में, तो उसको भी कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो पहले इसका आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है PCL6 ड्राइवर का, तो एसी वाला कभी कभी आता है, PCL5 भी आता है। तो ये PCL5 और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 64EN का, तो वहाँ पे आपका भी कभी कभी PCL5 32 64 ऐसा भी लिखा आता है। तो आपको ये ड्राइवर बस इंस्टॉल कर, आपको पहले ये कर लेना है, ड्राइवर आपको डाउनलोड कर देना है पहले, उसके बाद में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो ड्राइवर डाउनलोड हो जाए। अभी ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो जाने के बाद में आप सो इन फोल्डर करेंगे, सो इन फोल्डर करने के बाद में यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? कट कॉपी कर लेंगे पूरा, कट कॉपी करके इसको पूरा लेके डेस्कटॉप पे रख देंगे। मैं बताऊंगा आपको एक प्रोसेस, तो इसको आप, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे पेस्ट रख दिया, ठीक है? ये यहाँ पे आपका, ये आपका प्रिंटर ड्राइवर का हो गया, ठीक है? अभी फिलहाल लैन केबल से हम लोग जो RJ45 का जो केबल होता है उससे कैसे इंस्टॉल करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आपका डायरेक्ट लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से डालेंगे केबल मशीन को, ये डायरेक्ट सिर्फ लैपटॉप से केबल तक का कनेक्शन का मैं आपको बता रहा हूँ, लैपटॉप से मशीन, ये आपका जो स्विच होता है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लैपटॉप से आपका मशीन को कैसे सेटअप करेंगे तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वो जो कनेक्शन कर दिए इसका नीचे वाले पोर्ट पे आप कनेक्ट कर लेंगे, ये ऊपर पे ये। अब ये केबल कनेक्शन कर देने के बाद में तो आपको आना है आपके कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? तो कंप्यूटर के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपका माइक्रो नेटवर्क पोर्ट होगा, नेटवर्क पोर्ट पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में आप प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी पे आए हुए यहाँ पे आपको इंथरनेट केबल एक दिखाई गया, इंथरनेट पे आप क्लिक करें, एक कनेक्शन केबल लगाने के बाद में, ठीक है? तो केबल नहीं लगाने के पहले ये आपको नहीं शो करेगा, तो ये जाने के बाद में आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे यहाँ पे आपका देखेंगे TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन TCP/IP 4/4 इस पे सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद में ये आपका इसी टाइप का होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक मैनुअली ये पुट करना होता है आईपी एड्रेस, ठीक है? तो आपको यहाँ पे यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे आएंगे, तो यहाँ पे मैनुअली आपको पुट करना होगा, आपके एरिया के हिसाब से पुट करेंगे 192 या 168 और 1, और मैं कर दे रहा हूँ 100, और सबनेट मास्क आप दे देंगे 255 जो ले लेगा इसको, फिर आप वापस से दे देंगे 192 168 1 1 दे देंगे। ये आपका कंप्यूटर पे इसको करना है, ये करने के बाद में यहाँ ओके करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, पूरा क्लोज कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस सेटअप करने के बाद में तो यहाँ पे आप मशीन के पास आएंगे, देखिए मशीन के पास आना है, मशीन पे यहाँ पे एडिशनल फंक्शन का स्विच है, एडिशनल आईपी एड्रेस पे भी आपको एक सेट करना होगा, एडिशनल फंक्शन जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क सेटिंग TCP/IP, ठीक है? तो यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ है जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है
92168001। यहाँ पे 100 कंप्यूटर में पड़ा है तो यहाँ पे आपको दे देना है 110। ठीक है, तो अलग अलग देना है दोनों को। तो यहाँ पे आपको फिर करना है 255255255, तीनों में देना, बाकी में नहीं है। तो गेटवे में कर देना है 192.168.001, सॉरी आपको 001 उस पर जो गेटवे था उस पर। तो ये आपको देखिए आईपी एड्रेस 192.168.110.2 हो गया, हो जाने बाद में इसको ओके कर देके डॉन करके डॉन कर देना खत्म। अब इसको कर देने के बाद में आपको मशीन को ऑफ करके ऑन करना। जो ड्राइवर आप डाउनलोड किए होंगे तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होके उसको एस करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होके नीचे और एक फोल्डर बन जाएगा जो कि एक्सट्रैक्ट फोल्डर होगा। ठीक है, इस टाइप का एक फोल्डर बन जाएगा, इसको डबल क्लिक करेंगे आपका 64 है, 64 में जाएंगे और सेटअप जाएंगे, सेटअप में एस करेंगे, नेक्स्ट एस। यहाँ पे पूछ रहा है आपको नेटवर्क से करना है कि यूएसबी से करना है, तो आपको नेटवर्क से करना है। नेक्स्ट करेंगे, सर्च कर रहा है आपका प्रिंटर। देखिए आपका प्रिंटर ऑलरेडी सर्च कर लिया हो। ठीक है, आपको तो यहाँ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके कर लेना है। इसे ऐड करने के बाद फिर से यहाँ सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करना है। देखिए ये आपका हो गया, ड्राइवर आ गया, तो अभी इंस्टॉल के लिए रेडी है। तो अभी मारेंगे और इंस्टॉल होगा। ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये नेटवर्क से बता रहा हूँ जो कि कंप्यूटर से जो RJ45 केबल से बोलते हैं उससे कैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, तो मांगेगा क्या रिस्टार्ट आप कब कर करने, आप कर चाहिए तो करें नहीं तो ना करें। ठीक है, तो एग्जिस्ट कर दिया मैं, तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो अभी प्रिंट चेक करेंगे तो इस पर जाता है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, सॉरी आपका प्रिंटर एंड स्कैनर पे जाएंगे, आपका डिवाइस एंड प्रिंटर हो या फिर स्कैनर प्रिंटर हो जो हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट पेज करेंगे। तो अभी हम लोग वहाँ टेक्स्ट पेज दिए तो एक टेक्स्ट पेज कॉपी आपका लीगल आया। ठीक है, इसी तरह आपका ये लैन केबल से इंस्टॉलेशन होता है, तो ये आपका लैन केबल से इंस्टॉल हो गया। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और प्रिफरेंस में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग पे टू साइड ऑप्शन भी आता है, यहाँ पे टू साइड ऑप्शन भी आप देके कर सकते हैं, बुक साइड टू साइड आपका सारा कुछ आएगा। तो ये बस इतना ही था कि आपका लैन केबल से कैसे प्रिंटर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अभी फिलहाल ये आपका हो गया, तो आप उम्मीद है समझ जाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हर हमेशा इसी टाइप का वीडियो हम लोग चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपके पास जेरोक्स मशीन है तो आपको हमारे चैनल की वीडियो आपको जरूर जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।